आज हम लेक्चर 4 में डिजाइन ऑफ आरसी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के अंतर्गत कुछ और बेसिक फंडामेंटल जानकारी आपको देंगे। तो ये डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? तो डिजाइन ऑफ आरसी स्ट्रक्चर मीन्स टू डिसाइड दी साइज ऑफ दी मेंबर एंड प्रोवाइड एप्रोप्रिएट रिइंफोर्समेंट टू परफॉर्म सेटिस्फैक्टरली फॉर सेफ्टी सर्विसिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। तो इसका मतलब यह है कि हम डिजाइन ऑफ आरसी स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर की साइज डिसाइड करते हैं कि जैसे बीम वाला बनाना तो कितनी साइज का बनाना है, या कॉलम बनाना है तो कॉलम कितनी साइज का बनाएंगे, और इसके अलावा हम इसमें रिइंफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करेंगे और कि जो है इस सेफ रहे और सर्विसिबिलिटी मेंटेन रहे। सर्विसिबिलिटी मीन्स इट शुड बी सेफ इन डिफ्लेक्शन, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन ऑन क्रैकिंग और एंड ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी में अगर क्रैक्स आ जाएंगे तो उसमें मॉइस्चर पेनिट्रेट करेगा थ्रू दी क्रैक्स और इन्फोर्समेंट को करोजन हो जाएगा इन्फोर्समेंट का। तो ये इस प्रकार से हम डिजाइन ऑफ आरसी स्ट्रक्चर में साइज डिसाइड करते हैं मेंबर का और एप्रोप्रिएट रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो है इसका डिजाइन ऑफ आरसी स्ट्रक्चर में 3 मेथड हैं, थ्री मेथड मेथड ऑफ आरसीसी डिजाइन। वर्किंग स्ट्रेस मेथड, WSM कहते हैं इसको। सेकंड है अल्टीमेट लोड मेथड, ULM, और लोड फैक्टर मेथड, LFM। थर्ड है लिमिट स्टेट मेथड, LSM। तो पहले हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन दे दे, जानकारी दे दें। तो ये जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, तो ये यहां से यहां तक जो है ये स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये हुक्स लॉ को फॉलो करता है, और इसमें स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये इलास्टिक लिमिट के अंदर हम इसको वर्किंग स्ट्रेस मेथड में मेंबर को डिजाइन करते हैं, यानी आरसीसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। और इसके बाद जब ये फिर अब फर्दर हम जब लोड देते हैं तो इससे यील्ड पॉइंट आ जाता है। यानी मतलब ये है, जब इलास्टिक स्ट्रेन डिजाइन करते हैं तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ये स्ट्रेस जो है कम यूज करते हैं, यानी इसमें मेंबर की साइज थोड़ी बड़ी रहती है, अनइकोनॉमिक इकोनॉमिकल रहता है। और जब और लोड देते हैं तो यील्ड पॉइंट आता है, यानी ये प्लास्टिक रेंज में स्टील चला जाता है। तो प्लास्टिक रेंज में जाने से जो है ये मेंबर का डिफ्लेक्शन होता है, मेंबर डिफ्लेक्ट होता है। और फर्दर ये देखा गया कि जब हम इसको यहां से यहां तक जो वर्किंग स्ट्रेस में ये हम इसके बाद यहां से यहां तक का ही अच्छा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वर्किंग स्ट्रेस में टू कंक्रीट के लिए 3 लेते हैं और स्टील के 1.75 से लेके 1.85 लेते हैं। यानी हम करीब करीब यहां पर यूज करते हैं, यहां तक स्ट्रेस यूज करते हैं स्टील का, जबकि अपना अल्टीमेट स्ट्रेस जो है स्टील का ये इस जगह तक है। तो यानी बहुत कम स्टील की प्रॉपर्टी का, स्ट्रेस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो ये अनइकोनॉमिकल सेक्शन रहता है, साइज जो है मेंबर का बड़ा आता है और स्टील भी प्रोवाइड ज्यादा करना पड़ता है। इसलिए इंजीनियर्स ने सोचा कि भाई हम इस स्ट्रेस जो अल्टीमेट स्ट्रेस यहां तक है उसको हम फुल्ली यूज करें ताकि हम मटेरियल का पूरा पूरा उपयोग कर सकें। तो इसमें अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट लोड मेथड का यूज किया गया, या लोड फैक्टर मेथड को। इसमें जो है लोड फैक्टर जो है
होता है अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बाई वर्किंग लोड, तो अल्टी लोड फैक्टर की वैल्यू 2 के बराबर होती है। तो हम अल्टीमेट से थोड़ा इस जो यूज करते हैं अल्टीमेट को, वो करीब करीब ही यहाँ पर यूज, अल्टीमेट फुल्ली नहीं करते हैं, ये करीब करीब यहाँ इस स्ट्रेस पर यूज करते हैं, जो फैक्टर 2 देते हैं तो करीब करीब इस पॉइंट तक यूज करते हैं। अल्टीमेट में क्या है कि अल्टीमेट में मटेरियल जो मेंबर होता है बहुत ही इकोनॉमिकली डिजाइन होता है, क्योंकि में अल्टीमेट स्ट्रेस अल्टीमेट लोड का यूज करते हैं, तो मेंबर इकोनॉमिकल यानी मेंबर छोटा बनता है, ये सेफ भी रहता है। लेकिन अल्टीमेट में यानी प्लास्टिक रेंज में ये स्ट्रेस होने की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन होता है, और ये ऐसा लगता है कि मेंबर जो है डिफ्लेक्ट हो गया यानी गिरने वाला है, और क्रैक्स भी डेवलप होते हैं जिससे कि इसकी ड्यूरेबिलिटी और मेंबर कम हो जाती है, और क्रैक्स दिखने से ये जो है इसका नॉट गुड लुकिंग होता है। तो इसलिए ये हम ये जो है इंजीनियर से सोचा भाई कि ये दोनों मेथड को काउंटरैक्ट करने के लिए ओवरएक्ट कर, तो ये लिमिट स्टेट मेथड का यूज किया जाता है। इसमें क्या है कि स्ट्रेस जो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से ज्यादा यूज करते हैं, अल्टीमेट मेथड से स्ट्रेस को कम यूज करते हैं, थोड़ा सा वैल्यू कम रहती है, ताकि वो डिफ्लेक्शन को चेकअप करते हैं, डिफ्लेक्शन ना रहे एक्सेसिव और क्रैकिंग भी विद इन लिमिट रहे। तो ये संभवतः इस जगह पर हमें इस जगह पे आसपास हम लिमिट स्टेट का यूज करते हैं, इस जगह ये अल्टीमेट का यहाँ, तो वर्किंग लिमिट स्टेट का इस जगह पे करते हैं। तो यानी ये थोड़ा इन दोनों जो पहला और दूसरा मेथड है वर्किंग स्ट्रेस मेथड अल्टीमेट लोड फैक्टर लोड मेथड, इससे जो है इनकी जो डिफिकल्टी है कि ये स्ट्रेस कम होता है, मटेरियल जो का यूज कम होता है, अन इकोनॉमिकल रहता है, और इसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है मेंबर का, नॉट गुड लुकिंग और क्रैक्स भी डेवलप हो जाते हैं। तो इसके लिए हम फिर लिमिट स्टेट मेथड का यूज जो है किया जाता है। तो हम अपनी डिजाइन में जो है लिमिट स्टेट मेथड का बारे में हम आपको डिटेल्स जानकारी देंगे। तो आपको आज ये हमारा कुछ फंडामेंटल जानकारी हमने आपको दी, तो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टूडेंट को जरूर शेयर करें ताकि उनको इसका लाभ मिले, और बेल बटन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें तत्काल आपको इसकी जानकारी मिल सके। ओके, थैंक्स।